और देखिए इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेथल में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते। मोदी जी ने यूएन नेशनल जनरल असेंबली में अपील की कि हमको स्वस्थ रहना है, योगा दिवस होना चाहिए। 70 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया, इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून मना रहे हैं। यानी भारत अब दुनिया को दिशा दे रहा है और दुनिया उसको फॉलो करती है, इस बात को भी याद रखना है। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें, आज हम प्रतिदिन 37 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बना रहे हैं, 37 किलोमीटर। यही यूपीए की सरकार में 4 से 5 किलोमीटर बनती थी और यही आज 37 किलोमीटर बन रही है। यही आज 9.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है प्रतिदिन। और उसी तरीके से 220 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 220 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। बदल रहा है भारत, विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभी किसान की बात हो रही थी, आप बताइए, सभी लोग बोलते हैं किसान नेता किसान नेता किसान नेता, ये किसान नेता थे, वो किसान नेता थे। जो काम मोदी जी ने किसानों के लिए किया है वो कोई आज तक नहीं कर पाया है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने दी कि नहीं दी? 11.5 करोड़ लोगों को 11 किस्तों में 2,000 रुपए दिया कि नहीं दिया? 1,37,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, रुपया का 15 पैसा नहीं पहुंचता, रुपया का रुपया पहुंचता है और पूरा पहुंचता है, इसको भी याद करना है। मित्रों, अभी 11वीं किस्त मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबाकर उन्होंने किसान की 11वीं किस्त रिलीज की। 31 मार्च। तो बीजेपी अध्यक्ष हरियाणा के कैथल में रैली को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किए वो आज तक किसी ने नहीं किए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।